अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा जानेब और आलमगीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आप सबको हमारी तरफ से प्यारा सलाम। और आज एक और इंटरेस्टिंग और कमाल किस्म की वीडियो है जी, और आईपीएल के सर पे है। तो उस आईपीएल को मद्देनजर रखते हुए गाइज ये एक वीडियो है, और हमें दोस्तों ने कहा था कि यार आप इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाओ। और ये बेसिकली स्पाइडी भाई ने हमें कहा था, ठीक है, गगन भाई जिनका नाम है, प्लेयर्स में कहा था मैं टॉप 10 रिचेस्ट टीम ओनर्स। तो उन्होंने आईपीएल 2018 रिचेस्ट आईपीएल टीम ओनर्स एंड देयर नेटवर्थ के ऊपर है जी, और ये वीडियो बड़ी कमाल की है, और ये वीडियो बनाई है जी टॉप लिस्ट स्पोर्ट्स वालों ने। तो हम देखते हैं कि यार, हाँ, तो हम देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या है और कौन कौन से बड़े बड़े रिचेस्ट बंदे हैं, ओनर्स हैं, जो मालिक हैं। तो देखने की बात होगी और काफी आकर्षक किस्म की वीडियो लग रही है। टॉप लिस्ट स्पोर्ट्स वालों की ये वीडियो है, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनको सपोर्ट करें। और अब हम चलते हैं वीडियो के ऊपर, तो लेट्स स्टार्ट। मासूम लोग हैं बेचारे, हर टीम हर बार हार जाती है उनकी, इनके 70 मिलियन डॉलर नेटवर्थ है उनकी। अभी उन्होंने खरीदी भी है कुछ सालों के लिए, तो मेरे साथ 2.4 बिलियन मरन सनराइजर हैदराबाद है, और 2.4 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। अच्छा, इनकी नंबर नहीं दिए, कितने नंबर पे आए? और नंबर 3 अच्छा जी मनोज बादले राजस्थान रॉयल, नीचे से आई है। ये सबसे जो है ना सस्ती टीम है, लेकिन बड़ी कमाल की टीम है राजस्थान। मुंबई इंडियंस, मुकेश अंबानी 40 बिलियन डॉलर नहीं है इनकी जी। ये कुछ मासन, ये तो इनके जो है ना चेन्नई सुपर किंग के ओनर है श्रीनिवासन, पहले तो ये आईसीसी के चेयरमैन भी थे। 80 मिलियन डॉलर। अच्छा जी, किंग्स इलेवन पंजाब, ब्रिटिश जेंटा 30 मिलियन डॉलर। उन्होंने नंबर नहीं दिए। हाँ, 600 मिलियन नेटवर्थ है जी शाहरुख खान का। ये बंदे का नाम जाना पहचाना, शक्ल भी जानी जानी लगती है ना। जीरो में है। विजय मालिया 750 मिलियन डॉलर। मुकेश अंबानी की 20 बिलियन डॉलर है, 40 बिलियन डॉलर है। हाँ, 40 बिलियन हो गया। हाँ बिल्कुल, 40 बिलियन डॉलर। अच्छा, इन्होंने वैसे वीडियो तो अच्छी बनाई है, और बट इनको चाहिए था कि नंबर दे देते ना तो वो ज्यादा अच्छा था। नहीं, मेरे ख्याल पूरी हो गई है। तो इसमें मुंबई इंडियंस आई थी, वो भी बड़ी मेहनत करती हैं, और उन्होंने भी अपनी टीम को बना के रखा हुआ है, लेकिन वो भी हमेशा की तरह आखिरी नंबरों पे रहती है, ज्यादातर, ठीक है। और शाहरुख खान, जो टीमें टॉप पे रहती है ना, उनमें पहले नाम होता है जी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और केकेआर। ये तीन टीमें ऐसी हैं जिनके बीच में जो है ना अमूमन मुकाबला रहता है, क्या कहते हैं, यानी इनको हम और चौथा नंबर अगर रहे तो फिर राजस्थान रॉयल का रहता है। राजस्थान रॉयल भी बहुत अच्छी टीम है, और ये भी अंडरडॉग्स होते हैं और बीच में से निकल के ऊपर आते हैं हमेशा, बहुत कमाल के इनकी टीम होती है। क्योंकि इनमें मैंने देखा राजस्थान रॉयल में यंग टैलेंट बड़ा कमाल का होता है यार। ठीक है, तो लेकिन बार टीम से, हाँ, पिछली बार मैंने देखा सनराइजर हैदराबाद जो थी वो भी बड़ी कमाल की थी, और इस लिहाज से। तो बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे जी लिस्ट की, तो इनमें सबसे ज्यादा जाहिर बात है नो डाउट मुकेश अंबानी है,
ठीक है 40 बिलियन इंडिया के नंबर वन जाहिर बात है। हाँ वो तो इंडिया पूरे इंडिया के अमीर तरीन इंसान है, रिचेस्ट पर्सन है। और उसके बाद जो है ना श्रीनिवासन, श्रीनिवासन जो है वो मैं उनको बड़े मैं बल्कि जानता हूँ, ठीक है। श्रीनिवासन जो है वो पहले मेरे ख्याल में बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है, और शायद मुझे लगता है और बाद में वो फिर शायद आईसीसी के भी रहे हैं शायद, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि शायद वो है श्रीनिवासन। और बाकी विजय माल्या जो है वो उनका पता है, वो बेचारे आरसीबी को लेके फिर रहे हैं बड़े ऐसे में, ठीक है, लेकिन वो भी उनकी टीम भी जो है ना कभी जीत नहीं पाती, वो भी बड़े मेहनत करते हैं। प्रीति जंटा जो है उनका भी आप सबको पता है, और वो भी बड़ी मेहनत करती हैं। और शाहरुख खान हमेशा की तरह हर बार अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं, केकेआर को अच्छी टीम बना के हमेशा नजर आते हैं। और उसके बाद हमारे जो है ना बाकी जो नाम थे ना वो मैंने बड़े पहली बार ही देखे हैं, जैसे वो सनराइजर हैदराबाद के हो गए या दिल्ली के हो गए, ठीक है, तो हाँ तो ये वो लोग हैं दिल्ली के, इनके बारे में हम नहीं जानते थे, इनके बारे में आज पहली बार पता चला है। सो गाइज हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और भाई ने बहुत कमाल की वीडियो बनाई है, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा है आपने जरूर बताना है। और 23 तारीख को है ना पहला मैच, 23 को हम भी वेट करेंगे आईपीएल का। और आपको जाने से पहले कहेंगे हैप्पी होली, हाँ एक बार फिर कहेंगे हैप्पी होली एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।